महमूदगंज क्षेत्र के संत रघुवर नगर में डॉक्टर सपना दत्ता गुप्ता के सिर पर हथौड़े से वार कर उनके देवर ने हत्या कर दी। आरोपी देवर अनिल कुमार दत्ता ने वारदात के बाद सिगरा थाने जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यही जानकारी मिली है कि घरेलू विवाद में डॉक्टर सपना के सिर पर उनके देवर ने हथौड़े से वार किया था। घटनास्थल से हथौड़ा बरामद कर आरोपी भतीजे से पूछताछ की जा रही है। आरोपी का कहना है कि मेरी भाभी मुझे नपुंसक कहती थी, इसलिए हथौड़ी और कैंची से मार दिया। देखिए, वाराणसी कमिश्नरेट का ये सिगरा थाना क्षेत्र है। डायल 112 पे ये सूचना मिली थी कि एक महिला हैं सपना दत्ता, उनके ऊपर किसी ने प्रहार किया है जो कि गंभीर अवस्था में हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है, हमारी टीम आई है, तो ये प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि इनका आपसी पारिवारिक विवाद है। तो इस केस में इनके जो देवर हैं अनिल दत्ता, उनको कस्टडी में लिया गया है। वो प्राइमा फेसी अपना जुर्म का इकबाल कर रहे हैं कि उन्होंने इनके सिर पर हथौड़े से वार किया है और दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो महिला हैं उनकी मृत्यु हो गई है। और आगे हम जो हमारी हिरासत में जो अनिल दत्ता हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। FSL की टीम मौके पर आ रही है, हम अन्य साक्ष्यों का भी संकलन कर रहे हैं, CCTV फुटेज को देखा जा रहा है और इसका विधिक निस्तारण कर दिया जाएगा। देखिए, अनिल दत्ता आपसी विवाद की बात बता रहे हैं, जिन्होंने अपना जुर्म इकबाल भी किया है, वो इनके देवर लगते हैं और इनसे आगे पूछताछ अभी चल रही है थाने पे। दो दिन पहले इन्होंने अंजनी दत्ता ने सिगरा थाने में शिकायत कराई, उसके बाद से पुलिस ने क्या उन पहलुओं पर भी जाँच की जाएगी। अनिल कुमार दत्ता, पिताजी का नाम डॉक्टर रजनीकांत दत्ता, मैं विश्वनाथ गली में शकरगंज गली में रहता हूँ और अपने माता पिताजी मेरे बीमार हैं, उनसे मैं मिलने संत रघुवर नगर कॉलोनी रोज आता हूँ। आज क्या हुआ सर? आज सर जब मैं सेंटर जा रहा था तो मेरी भाभी जी ने आए पहले की तरह मुझे आज भी कहा कि नपुंसक जा रहा है और जोर जोर उसके हंसने लगी, जिससे मुझे गुस्सा आ गया, हथौड़ी पड़ी थी, मैंने उनको हथौड़ी मार दी और कैंची पड़ी थी और कैंची मैंने उनको मार दी। तो क्यों, तुमको क्या कही है? नपुंसक कहती थी आए दिन की, इसका बड़ा भाई भी नपुंसक था, ये भी नपुंसक है। कौन कहता था? मेरी भाभी डॉक्टर सपना दत्ता। तो तुम इसी बात को मारती है फिर? जी सर, जी सर, बिल्कुल इसी बात पे पूरी जिम्मेदारी मेरी, मैं किसी कहने पे नहीं किया है। किस चीज से मारे हो? हथौड़ी से सर और कैंची से सर। कैंची से कहाँ चोट लगी है? सर सर पे लगी है। हाँ जी सर।